और अब बात रूस और यूक्रेन जंग की, जहां 4.5 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी तक इस जंग के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों के दम पर यूक्रेन पहले के मुकाबले काफी ताकतवर नजर आ रहा है, और ऐसे में यूक्रेन लगातार रूस पर काउंटर अटैक भी कर रहा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहा महाघमासान अब पहले से ज्यादा विध्वंसक हो गया है। पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों को लेकर यूक्रेन की सेना लगातार रूस पर पलटवार कर रही है। पश्चिमी देशों से मिलने वाले घातक हथियार 9K-37 MI बक MI सैम सिस्टम से इस प्रहार को देखिए। आसमान को चीरता बारूदी प्रहार रूस के UAV को टारगेट कर दागा गया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में उसने रूस के एक UAV को मार गिराया है। इतना ही नहीं, रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने जबरदस्त हमला बोला है। इमारत से एक साथ दर्जनों रॉकेट दाग यूक्रेन ने साफ कर दिया है वो इस युद्ध में रूस के सामने झुकने वालों में नहीं। यूक्रेन ने कल अचानक हमला तेज करते हुए रूस के शहरों पर बैलिस्टिक हमला बोला, जिसकी पुष्टि खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने की है। बेलगोरोड के गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन ने शहर को निशाना बनाते हुए तोश्का यू बैलिस्टिक मिसाइल से 3 हमले किए। इनमें से 2 मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 1 मिसाइल बेलगोरोड के एक घर पर गिरा। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11 अपार्टमेंट के 39 घरों को नुकसान पहुंचा है।